लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पानी, माधुरी, पानी। प्रभु, अब मैं क्या करूं? पानी के बिना मेरे प्राण चले जाएंगे। मुझसे माधवी का दुख देखा नहीं जाता। मैं इन दोनों को यूं भूखा प्यासा भटकता नहीं देख सकती। स्वामी, पानी, पानी। स्वामी, कैसा आश्चर्य! भगवान की कृपा से इस सूखे प्रदेश में भी हरियाली छा गई। स्वामी, भोजन। स्वामी, बैठिए। स्वामी, लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। तुम भी खाओ माधवी। नहीं स्वामी, जब तक मैं भगवान के अगले अवतार की कथा नहीं सुनूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रभु, आपको सत्य की बात रखनी ही होगी। किसी न किसी प्रकार से उसे विष्णु पुराण की कथा सुनानी ही होगी। उमा, विष्णु का नाम मुझे भी प्रिय है। माधवी के हट को पूरा करने के लिए मैं उसे हरि कथा अवश्य सुनाऊंगा। मेरे माथे पर लगा हुआ यह चंद्र समुद्र मंथन से अपने जन्म की कथा स्वयं कहेगा। प्रणाम चंद्रदेव। कल्याण हो। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। मैं भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु लीला सुनाने आया हूं। आओ बैठो। लगता है शिवजी की शक्ति तुम्हारी शक्ति से कुछ बढ़कर ही। नारद जी, क्रोधित क्यों होते हो? यह भी संभव है कि शिवजी को तुम्हारी शक्ति का पता न हो, नहीं तो वे माधवी और धर्म केतु को अपनी दया की छाया में खड़ा भी नहीं कर। और फिर वो चंद्रमा, वो भी तुम्हारी शक्ति से परिचित नहीं है, तभी तो हरि कथा सुना रहा है। नारायण नारायण। ये चंद्रमा भी मेरे क्रोध से नहीं बच सकेगा। मैं अभी उसके नाश का साधन पैदा करता हूं। राहु राहु, प्रकट हो राहु। राहु, यही समय जब तुम चंद्रमा से अपने पैर का पत्ता ले जाओ। उस मूर्ख को निगल जाओ। जो आ गया, मैं उस चंद्रमा को निगल जाऊंगा। निगल जाऊंगा। क्यों नारद जी, अब तो आपने देख लिया, आपका चंद्र भी मेरी शक्ति से भयभीत होकर शिव जी की जटा में जा छुपा। नारायण नारायण।
स्वामी। माधवी, अब मुझसे और अधिक नहीं चला जाता। तुम किस आशा में यूं भटकती फिर रही हो? संसार के किसी भी कोने में जाओ, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। फिर तुम क्यों इतने कष्ट सहन कर रही हो माधवी? स्वामी, मेरे कारण ही आप पर यह आपत्ति आई है। मैं कठोर से कठोर व्रत करके आपकी खोई हुई दृष्टि वापस लाऊंगी। तुम गंधर्व कन्या हो, मुझे भूल जाओ माधवी, मुझे भूल नहीं, जाओ। स्वामी नहीं, तुम्हारे दुखों का अंत उसी समय हो जाएगा। ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। चलिए आइए स्वामी, आप यहां विश्राम कीजिए। आप कुछ दिन यहां बैठिए। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं माता, विष्णु लीला सुनने में प्रभु के भक्त को पग पग पर विघ्न आए, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? आज अंभोज के कारण माधवी ऐसे निर्जन प्रदेश में भटक रही है जहां उसे विष्णु लीला सुनाने वाला कोई मिल ही नहीं सकता। आपके होते हुए भी आप स्वयं ही माधवी को हरि कथा क्यों नहीं सुना देते? यदि यह काम स्वयं नारद जी कर देंगे तो हमें उलाना देने का आनंद इन्हें कैसे प्राप्त होगा? नहीं भगवान, नहीं, आप तो जानते हैं इस ब्रह्मचारी का सारा समय आपकी महिमा का गुणगान करने में जाता है। नाम स्मरण से बढ़कर मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं। पर माधवी का दुख देखकर मैं इतना व्याकुल हो उठा कि मुझे यह बात सूझी नहीं कि मैं उसे विष्णु लीला स्वयं सुनाऊं। धन्य माता, प्रणाम भगवान, मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए जा रहा हूं। नारायण 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 नारायण। देवर्षि प्रणाम हो। माधवी, तुम्हारी श्रद्धा श्लाघ्य है, तुम धन्य हो। देवर्षि, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए। आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें विष्णु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। अवश्य अवश्य, मुझे भी विष्णु नाम स्मरण अति प्रिय है। नारद जी ने अपना स्वभाव दिखाना आरंभ कर दिया है, वे आपके विरुद्ध जाकर माधवी को विष्णु पुराण की कथा सुना रहे हैं। मैं भी देखता हूं। पिता हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रयत्न किए कि उसका पुत्र प्रह्लाद विष्णु की भक्ति न करे। उसने प्रह्लाद को अनेक कष्ट दिए किंतु हरि भक्त प्रह्लाद अपनी भक्ति से नहीं दिखे। महाकाली, बहुत दिनों से हमने तुझे नरबलि नहीं दी। ये पुरुष राज लक्षणों से संपन्न है, इसकी बलि स्वीकार करो मां और हम पर प्रसन्न हो जाओ। मां महाकाली की जय। मां महाकाली की जय। मां महाकाली की जय। बलि के लिए तैयार हो जाओ। मां महाकाली। नहीं, मेरे पति को मत मारो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। स्वामी, नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। महाकाली की बलि में बाधा न डालो, हट जाओ। नहीं नहीं, मां बलि की भूखी नहीं, भक्ति की भूखी है। जो माँ है वो संतान की हत्या कैसे चाहेगी? वरदायिनी माँ ने अपना विकराल रूप तो दुष्टों को नष्ट करने के लिए लिया है। वो तो प्रेम की देवी है, कृपा का सागर है। यदि तुमने मेरे पति की बलि दी तो माँ तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी नहीं। तो फिर बुलाओ अपनी दया की देवी को, मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे माता महाकाली के सामने आती है। नमस्ते नमस्ते।